दोस्तों, अगर आप हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और आपने बहुत सारी रेमेडी या यूट्यूब पे वीडियो देख देख के बहुत सारी चीज़ें लगा ली फिर भी आपके हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, तो इसका एक ही रीज़न है कि जैसे एक पौधा होता है ना, उसको सूरज की रोशनी भी चाहिए, उसको अच्छी खाद और पानी भी चाहिए, वैसे ही हमारे बालों का मतलब खाली ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी लगाओ, अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है तो अभी आपके बाल झड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ टिप्स हैं जो मैं बताती हूँ, क्योंकि हर चीज़ पेट से जुड़ी हुई। जब आपका पेट एकदम स्वस्थ होगा तो ऑटोमेटिक बाल झड़ेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, दोनों बालों का ऊपर लगाने के लिए हम करते हैं तो अंदर ध्यान नहीं देते, पेट में रखते हैं तो ऊपर ख्याल नहीं रखते। ऐसा करेंगे ना तो आपके बाल झड़ने बंद नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो आंवला का जूस पी सकते हो, मतलब जितना हो सके विटामिन सी, जैसे संतरा है, जो भी है विटामिन सी में आता है ना, उनको आप ज़्यादा खाओ और ज़्यादा पियो। नींबू पानी है, आंवला का जूस है, आंवले का मुरब्बा है। और दूसरी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे और फिर ओमेगा 3, आप अलसी है, चिया सीड्स है, इनको आप ले सकते हो अपने हेल्थ में। और जहाँ तक हो सके बहुत सारी हरी सब्जियाँ है, वो बहुत सारी चीज़ें खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ। और प्लस ज़्यादा रोटी दबा दबा के नहीं खानी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रोटी खाओगे ना तो बॉडी खाना पसंद नहीं पाता। पहले तो अपना अंदर ध्यान रखना कि न्यूट्रिशन, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, प्रोटीन है, हेल्थफुल है, वो सब चीज़ें अंदर खानी है, दही है, घाटी छाछ है, और प्लस खाना हेल्थी खाना है। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज, मतलब योगा का एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्किन और बालों को लेके। अगर आप अपना कितना भी ध्यान कर दो, कुछ भी कर दो, अगर आप ये सब नहीं करोगे ना मेंटेन, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, रोज़ मतलब आपको आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी है प्लस आधा घंटा वॉक करनी है, ये दिनचर्या में शामिल कर दो। इससे आपको बीमारी भी नहीं आएगी, प्लस आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम वो भी नहीं होगी, प्लस आपके हेयर फॉल होता है वो भी रुक जाएगा। दूसरी बात है, हम बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं तो ये आपको अवॉइड करनी है। आज के बाद में डिब्बा बंद और बाहर की चीज़ें जितना हो सके उसको छोड़ दो, बिल्कुल खाना ही नहीं हमें। और दूसरी बात है, जितना हो सके घर का खाना खाओ, घर का खाना वो भी नहीं तेल वाला मसाले वाला, एकदम सिंपल आयुर्वेद भोजन, मतलब सात्विक भोजन लो, जिसमें ज़्यादा तेल तली भुनी ऐसी चीज़ें नहीं, सात्विक आहार आप ले सकते हो। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आज मेरे पहली बार मेरे चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली थोड़ी तो बड़ी हो, आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और अच्छे अच्छे स्किन और बालों के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। मैं वीडियोज़ वही लेके आऊँगी जो सच में रिजल्ट देता हो, जो मैं खुद यूज करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।